भांग के नशे की वजह से सर एकदम चकराए रहा था लेकिन अब भांग का नशा तो बाय बाय, लेकिन सर दर्द हेलो हाय। माँ जी, आपने नींबू मंगवाए थे ना? नींबू छोड़ो, ऑरेंज जूस लेके आओ जल्दी से। अरे सुनो, अरे ऑरेंज जूस वाले चक्कर में नींबू मत लेके जाओ, रखो यहाँ। सुनो, ऑरेंज जूस जो है बर्फ के साथ अच्छा लगता है, अंदर रख समझी, जाओ जल्दी। जी अभी लाए हम ऑरेंज जूस। ओह नहीं नहीं, ऑरेंज जूस से हमारा हेडेक नहीं जाए वाला। तुम एक काम करो, हमने लिए टैबलेट लेके आओ, सरदर्द की गोली, जाओ। ओ जल्दी। खून भरी टांग यहाँ। देखो तुम कहीं घर के बारे में जरा भी जनरल नॉलेज नहीं है ना? हम सारी मेडिसिन लाउंज की टेबल के दराज में रखते हैं, ठीक है? जाओ लेके आओ। दवाई, दवाई, दवाई। पानी, पानी, पानी लेकर आते हैं। या, ओके। Okay. No, Aman. That's not acceptable. हम negotiate करेंगे तो अपनी strength के basis पे. Right. तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? ये हम भी कह सकते हैं. I'm sorry, yeah. Okay. मामी जी पी लीजिए। अरे अंजलि बिटिया, ये हालत में तुम तो कान नीड है ये सब करे की। इतना बल पड़े थे खून भरी टांग के एक ठो टैबलेट की खातिर। ई लियो, डेविल का नाम लिया और डेविल हाजिर। वेलकम बैक खून भरी टांग, बहुत लंबी एज है तुम्हारी। लाओ ईका, शर्ट के बटन के साइज की गोली कोट के बटन जितनी हुई गई। दिखाइए मम्मी। पर माँ जी, ये तो वही दवाई है जो आपने नीचे वाले दराज से लाने के लिए कही थी। ये तो छोटे की डायबिटीज की मेडिसिन है। हेलो हाय बाय बाय। नहीं माँ जी, हमने तो वही दवाई लाई है जो आप। जाने दीजिए ना, भूल हो गई मम्मी। गेट आउट। और आपने टैबलेट कौन सा खाई है मम्मी? अंजलि तुम आ रही थी, हमारी जान बच गई, वरना ई का पास चलता ना, ये हमारी लाइफ का दिन एंड ही कर देती। गलती से हो गया अम्मा जी, गलती से हो गया। गेट आउट। मम्मी जी आखिर हुआ क्या है? यू सटक फटी साड़ी। और ये मत सोच लियो कि बड़ी के जाए के बाद छोटी का प्लान पूरा करेगी, कहती हूँ कि पहले ही हम तुमरा भी फेयरबेल्स कर देबे, समझी? ई का मछली बाजार बनाए रखा मनोरमा? हुआ अम्मा सोए की कोशिश कर रही हैं और तुम चुप ही नहीं हो रही हो। नो हाय बाय बाय। कैसन चुप रहे हम? अरे यहाँ हमरी बहू हमरा मर्डर करे की कोशिश करत है और न पिटो की दवाई देकर, और यहाँ कोई कैसन सो सकत है? अगर अर्नब जी की दवाई यहाँ है तो फिर मामी जी की दवाई उनके पास होगी। इससे पहले कि वो उसे खा ले हमें उन्हें रोकना होगा। मामी जी कम से कम पायल जी की बात तो सुन लीजिए आप। अरे सुपारी किलर की बतवा सुने, इनकी बतवा सुनने बैठ जाए बे, हम उठ बे नहीं, उठ जाए बे। हुआ मामी जी, आपने इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे कुछ हुआ नहीं था मां जी, लेकिन अगर वह अंजलि बिटिया नहीं होती तो हमारी लाइफ नहीं बचती। ई खून भरी टांग इका रोजिक इहे कार्यक्रम है, डेली बैठ के अपन सांस की सांस बंद करे का पीलानी करत रहते है। काहे इहे लिए बदली रही ना गोली, गोली सुरतिया।
ओह हो, फिर से क्रोकोडाइल टीयर्स। मनोरमा, बतवा हम क्लियर कर देते सासू माँ, ई घर माँ अब या तो हम रहे या तो ई। जस्ट इमेजिन अगर हम वो दवा खा लेते तो आप फिर से हमारी दीदी के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर देंगे। ये धमकी देना आपको सबसे अच्छा लगता है ना? अगर मुझे फोर्स करोगी तो मैं वही करूंगा। तो आपने ये सब जानबूझकर किया? What? आप समझते क्या है अपने आपको? और कितना गिरेंगे आप? हमने आपसे कहा था ना कि हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कहा था ना आपसे कि जीजी और जीजा जी को अलग करने की कोशिश मत कीजिए। फिर भी आपने जानबूझकर दवाई बदली और आज आपकी इस हरकत की वजह से हमारी दीदी को घर से निकाला जा रहा है। सिर्फ आपकी वजह से। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? घिन आती है हमें आपसे मिस्टर रायसादा, नफरत करते हैं हम आपसे। मनोरमा, भूल तो किसी से भी हो सकत है। सासू माँ, ये छोटी मोटी भूल नहीं है। बात बड़ा है कि कोनो जरूरत नहीं। मनोरमा अब शांत भी हो जाओ। अर्नव बिटुआ का डायबिटीज का एक टैबलेट खा के तुम मर थोड़ी ना जाओगी। आप तो सेटअप ही कर ले हो। अरे शुरुआत डायबिटीज की गोली से की है, कल को रैट पॉइजन खिला के दी एंड कर देगी। मनोरमा, जब तक ये मेन गेटवे से बाहर ना चली जाए, डोंट स्टॉप। कम ऑन, लेफ्ट राइट यहां से बाहर जाओ। कम ऑन आउट। चीची 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 रुक, हटी सॉरी। होम की खातिर यानी कि मायके के लिए कोनो एसएमएस मैसेज होई तो इके साथ भेज सकत हो। यस, माने हम भी एक पे एक फेरी का रिटर्न ऑफर दे सकते हैं। अगर जाना चाहत हो तो यू आर वेलकम। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। वैसे भी गुप्ता फैमिली एक के साथ उनका दोनों सिस्टर्स के हेलो है कराई थी ना, तो हम भी तो दोनों सिस्टर्स के एक के साथ बाय-बाय कर सकते हैं। क्या हुआ मां? बाय कहाँ जा रही हो? मैटरनिटी होम। भाई जी, अब मुझे बताइए क्या बात हुई? आकर बिटवा, अब हम नहीं जी पिटिया है, लेकिन फिर एक बात कह देते हैं, ये खून भरी टांग हमरा अटेम्प्ट टू मर्डर की है। और मजे की बात तो देखो, इका घर से निकाले के अपोजिट कोई भी नहीं है। देखो कैसन चुपचाप खड़ी है, इका मतलब ये है शीज गुल्टी मन में खोट है इका। वेट पायल, उसकी कोई गलती नहीं है मॉम। मामी जी, आपकी दवाई मेरे पास है। पायल ने ये टेबल पर रखी थी और मैंने गलती से उठा ली, और पायल ने गलती से आपको मेरी दवाई दे दी। ये लो, खामखा बात का बतंगड़ बना दिया। इट्स अ सिंपल मिस्टेक। लकीली ना मैंने आपकी दवाई खाई और ना आपने मेरी। मामी, चिल्लाने से आपका दर्द और बढ़ेगा। आप ये दवाई ले लीजिए। आकाश, मामी को बिठाओ, शी नीड्स टू रिलैक्स। पायल, मामी जी के लिए एक गिलास पानी ला सकती हूँ? जी। देखो अर्नब बिटुआ, मामी गलती किसी से भी हो सकती थी, दी से, नानी से, मामा से, आकाश से या मुझसे। तो क्या आप हम सबको भी घर से निकाल देती? ऐसन कैसन बात करत हो? मामी, आप कमरे में जाकर रिलैक्स कीजिए। ठीक है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, प्लीज। ओके, चलिए हम सबको थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। पायल, मैं एक दवाई देता हूँ, प्लीज। शुक्र है भगवान का, कम से कम मनोरमा छोटे की बात तो सुनते हैं।